मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर बिटलब। आज मैं रेड वेलवेट केक बनाने जा रही हूँ। 4 टेबल स्पून मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है, या फिर अगर कप से नापिए तो 1/4 कप है। अभी 1/4 कप में घर का ताजी दही है, ये दही इसी में डाल देती हूँ। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल है, जिसमें कोई महक ना हो ऐसा रिफाइंड ऑयल लेना चाहिए हल्के कलर में, तो इसको ले लिया है मैंने। 1/4 कप ही पिसी हुई चीनी लिया है। 1/4 कप इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अगर कंडेंस मिल्क है तो बहुत अच्छा है, तो आप उसको डाल सकते हैं। 1 कप का मेजरमेंट मैंने लिया है, तो 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। आप कप हो, कटोरी हो, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट ले लीजिए, उसी चीज़ से सब कुछ नापिए, तो उससे क्या होगा, सबका रेशो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। अब ये मैदे को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 1 पाउच इसमें इनो भी डाल सकते हो, लेकिन जितना अच्छा रिजल्ट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का आता है डालने से आता है, उतना अच्छा रिजल्ट इनो से नहीं आता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने से केक बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये मैदे को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए मैंने 1/2 कप दूध लिया है, नॉर्मल दूध है, जैसे उबाल के रख लेते हैं दूध, वही दूध है। इसी दूध में मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, रेड फूड कलर है, इसको डाल के मिक्स कर देती हूँ। तो इसको डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सही कर देते हैं। अभी 1/2 दूध और कलर डालूंगी। तो ये दूध डाल के भी मैंने मिला लिया है। 1/2 टीस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ और इसी में कुछ ड्रॉप वेनिला एसेंस का है, वो डाल देते हैं। आपके पास है तो डालिए, अगर आपको पसंद है तो डालिए। इसमें मैं विनेगर नहीं डालूंगी, कुछ लोग हैं विनेगर भी डालते हैं, तो विनेगर डालने से वेलवेट स्ट्रक्चर नहीं आएगा। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये देखिए इस तरीके से है, बस ऐसे ही हमें चाहिए। ये केक टिन में मैंने 1/2 टीस्पून ऑयल डाल के चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है। बस बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा दीजिए ऐसे, तो बटर पेपर अगर नहीं है तो आप इसी में 1 टीस्पून मैदा डाल के चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दीजिए मैदे को। आज मैं ये बटर पेपर ये साइड साइड से भी ऐसे लगा देती हूँ। किसी किसी का केक जो है साइड साइड से जल जाता है और बाकी केक बहुत अच्छा फूलता है, तो इस तरीके से अगर हम बटर पेपर इस साइड साइड भी लगा देंगे तो हमारा केक कहीं से भी नहीं जलेगा और बहुत अच्छा राइस होगा। पेस्ट बना लिया है, ये पेस्ट इसी में ऐसे डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से गिर रहा है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको ऐसे 2-3 बार मैं टैप करूँगी, इससे क्या होगा जो एयर बबल इसमें आ जाता है तो वो बैठ जाएगा। मैंने ये देखिए कढ़ाई में मैंने रिंग डाल के 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं अपना ये जो केक का टिन है इस तरीके से इसमें रख दूंगी, रख के इसको कवर कर देती हूँ। 2 मिनट के लिए गैस को मीडियम पे रखती हूँ और ये कढ़ाई में केक पकने में कम से कम 35-40 मिनट लगेगा। ये कढ़ाई के जो ढक्कन में ये जगह है, इस तरीके से मैं बटर पेपर लगा के उसको बंद कर दी, उससे क्या होगा बाहर का एयर अंदर नहीं जाएगा तो बहुत अच्छे से पकेगा। अभी 2 मिनट हो गया है, अभी मैं गैस को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। 20 मिनट हो गया है, आइए मैं देख लेती हूँ। केक हमारा बहुत अच्छे से राइस हो रहा है, तो इसको ऐसे ढक के 20 मिनट और पक जाने देती हूँ, फिर आके चेक कर लूँगी। मैं अपना केक चेक कर लेती हूँ। एक मैं ये टूथपिक ली हूँ, इससे मैं इस तरीके से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए टूथपिक हमारा एकदम क्लीन निकल रहा है, कहीं से भी आप ऐसे देख लीजिए करके। तो अभी हमारा केक पक गया है, अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसी कढ़ाई में 5 मिनट ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए 5 मिनट में मैंने कढ़ाई से केक निकाल के साइड में रख लिया है। तो ये दूध की छन्नी है, इसी को ऐसे रख दूंगी 10 मिनट तक, ऐसे मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। एक केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो एक प्लेट ले लिया है, ये प्लेट ऐसे रख के इस तरीके से इस पर टैप करती हूँ। ये बटर पेपर लगने की वजह से केक टिन एकदम क्लीन निकला है। अभी मैं बटर पेपर भी रिमूव कर देती हूँ, ये बटर पेपर को हटा लेती हूँ मैं। जो ये साइड साइड से बटर पेपर लगाई हूँ ये भी मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ। ये देखिए अभी दूसरा प्लेट लेके मैं इसको केक को सीधा कर देती हूँ। तो ये देखिए केक हमारा बन के रेडी हो गया है। तो कितना सॉफ्ट केक है, आप इसको खुद देखिए, ऐसे दबाइए तो एकदम से चिपक जा रहा है, फिर अपने आप ही ऊपर आ जा रहा है। ये केक को अभी मैं 1 घंटे के लिए उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, उसे एकदम से ठंडा हो जाएगा। व्हिप क्रीम पाउडर है,
तो ये पाउडर का मैं बनाऊंगी व्हिप क्रीम। एकदम चिल्ड वाटर है, बाउल में डाल देंगे। जितना क्रीम बनाना है उस हिसाब से लेना है पाउडर। पानी डालती हूँ, बस इसको मेरे को मिक्स करना है। इसको 5 मिनट तक हाई स्पीड पे मिक्स करना है, या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक मिक्सर हो तो उससे भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। 10 मिनट के लिए ऐसे मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। केक को फ्रिज में रख के मैंने ठंडा कर लिया है, तो केक को मैं 3 पीस में काट लेती हूँ। चक्कू से मैं ऐसे निशान लगाऊंगी, और मैंने ये थ्रेड ले लिया है, धागा ले लिया है। इसी धागे की मदद से मैं इसके पीसेस बना लेती हूँ। इसको मैं ऐसे इस तरीके से इसे धागे को ऐसे खींच लूँगी, तो ये देखिए सामने से आके ये धागा निकल गया, एक पीस में ये अलग हो गया है। ये देखिए ये नीचे का एक पीस अलग हो गया, ये जो ऊपर का पीस है इसमें मैं 2 पीस कर लेती हूँ। इसको भी इस तरीके से खींचते हुए इस तरीके से इसको भी मैंने 2 पीस में इसको भी काट लिए हैं। ये देखिए ये हमारा 3 पीस में कट गया है। मैंने एक गलती की है, जो दूध में मैंने फूड कलर पाउडर डाला है, तो इसकी वजह से ये ऑरेंज कलर पे आ गया, थोड़ा सा ऑरेंज कलर आया है। तो आप लोग लिक्विड फूड कलर यूज़ करिए, तो उसे परफेक्ट एकदम रेड कलर आएगा। तो इस बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने जो ये व्हिप क्रीम बना लिया है उसको मैं थोड़ा सा यहीं पे ऐसे रख देती हूँ, और जो ये नीचे वाला पीस है इसको मैं इसी पे ऐसे सेट कर देती हूँ। मैंने 1/2 कप पानी लेके इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाल के इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया था ठंडा करने के लिए, चिल्ड सिरप बोल सकते हैं। तो ये केक पे पहले मैं अपना ये चिल्ड वाटर चारों तरफ से ऐसे फैला देती हूँ। मैंने इस बॉटल में भर लिया है वो सिरप, इसी पे मैं अपना ये वाइट व्हिप क्रीम जो है इसको लगा देती हूँ। ये मैंने वाइट व्हिप क्रीम का एक लेयर लगा दिया है। मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश कर लिया है, ये देखिए, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी इसी पे मैं ये दूसरा लेयर रख देती हूँ। इसी तरीके से थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, पानी चीनी का सिरप को इस तरीके से डाल देती हूँ। अभी इस पे मैं व्हाइट क्रीम का फिर से एक लेयर कर देती हूँ। फिर से यही जो स्ट्रॉबेरी क्रश करके रखी हूँ इसको मैं इस पे भी ऐसे डाल देती हूँ। अब इसी के ऊपर ये फाइनल पीस जो है उसको लगा देती हूँ। ये साइड साइड से भी मैं क्रीम को इस तरीके से पूरे केक में ही इस तरीके से स्प्रेड कर देती हूँ इसे। तो ये देखिए केक में क्रीम लग गया है। अब ऐसे ही मैं केक को उठा के 1 घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख देती हूँ, उससे केक एकदम सेट हो जाएगा। केक को डेकोरेट करने के लिए एक छोटा सा केक मैंने अलग से बना लिया था। देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। सेम सामान वगैरह सब कुछ सेम वही लिया था, सिर्फ क्वांटिटी इसका कम किया था मैंने। तो ये देखिए छोटे वाले केक को मैंने ये चारों साइड का निकाल दिया। अब ये ऐसे चौकोर शेप में हो गया है। इसका मैं पेस्ट्री बना लूँगी, और इसको मैं मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी, तो ये जैसे ब्रेड का चूरा बन जाता है उसी तरीके से ये बन जाएगा। केक को जब हम डेकोरेट करेंगे उस टाइम में काम आएगा। ये केक को मैंने 1 घंटे फ्रिज में रख के निकाल लिया है। तो जो अभी मैंने ये इसका चूरा बना लिया है, अब इसको मैं ब्रेड के साइड में लगा देती हूँ। इसे ये हाथ में लेके इधर ऐसे साइड से ऐसे चिपकाते चले जाएंगे, हाथ से चिपका लेंगे। तो ये देखिए इसको मैं चारों तरफ से जो केक का मैंने क्रम्स बना लिए थे उसको लगा दिए चारों तरफ से। मैंने जो स्ट्रॉबेरी क्रश कर लिया है इसको इसी पे मैं बीच में ऐसे डाल देती हूँ। तो ये जो व्हिप क्रीम मैंने ले लिया है इसी से ऐसे मैं डेकोरेट कर देती हूँ। ये देखिए ये हमारा डेकोरेट हो गया है। अभी इसको मैं 1 घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख देती हूँ, फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी। अब मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना बढ़िया केक बना है। इसको मैं पेस्ट्री जैसा काट लेती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी काटो। ये देखिए बहुत शानदार केक बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।